Hi everyone, my name is Pawan and I am lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nukodar. In this lecture, we will discuss about solar photovoltaic system. A solar photovoltaic system, also PV system or solar power system, is a power system designed to supply usable solar power by means of photovoltaics. Solar power system एक ऐसा power system है जिसमें हम जो solar power होती है उसे हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी मतलब बिल्डिंग को सप्लाई करते हैं या किसी भी फैक्ट्री को, मतलब किसी भी फर्म को हम सोलर पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स टू एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, अ सोलर इन्वर्टर टू कन्वर्ट द आउटपुट फ्रॉम डायरेक्ट टू अल्टरनेटिव करंट, एज वेल एज माउंटिंग केबलिंग एंड अदर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी टू सेट अप द वर्क सिस्टम। सो इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, सो इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सोलर पैनल आता है, ठीक है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो उसके आगे सोलर इन्वर्टर होता है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट टू अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद केबलिंग और अदर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी जो होती हैं सेटअप वर्क के लिए वो इंस्टॉल की गई होती हैं, ठीक है। सो नीचे हमारे पास इमेज है, एक एरिया में उन्होंने सोलर पावर सिस्टम लगाया हुआ है, ठीक है। उसके आगे है, इट मे आल्सो अ सोलर ट्रैकिंग सिस्टम टू इम्प्रूव द सिस्टम्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ठीक है, सो उस सिस्टम को जो परफॉर्मेंस होती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। एज पी वी सिस्टम्स कन्वर्ट लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद अदर सोलर टेक्नोलॉजीज सच एज कंसंट्रेटेड सोलर पावर और सोलर थर्मल यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग। सो जो हमारा पीवी सिस्टम होता है, ठीक है, ये डायरेक्टली लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो इसकी वजह से हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजीज और भी होती हैं, जैसे हमारा कंसंट्रेटेड सोलर पावर हो गया, देन सोलर थर्मल पावर हो गया, ठीक है। सो जो जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारा जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम हो गया या सोलर थर्मल सिस्टम हो गया, इसको हम हीटिंग या कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सो नीचे हमारे पास एक टॉपोग्राफिक व्यू है किसी पीवी सिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोवोल्टेइक पावर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। सो फोटोवोल्टेइक पावर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये इंस्टॉल्ड हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम। सबसे पहले टॉप है सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड अदर बैलेंस ऑफ सिस्टम और BOS कंपोनेंट्स। सो टॉप जो मेंबर होते हैं इसमें सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स होते हैं और BOS सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सोलर एरे और रूफ टॉप इन हांगकांग चाइना, BIPV ऑन बालकोनी इन हेलसिंकी फिनलैंड। सो ये एक चाइना में एस्टेब्लिश है और एक फिनलैंड में, ठीक है। देन मिडल रूफ टॉप सिस्टम इन बोस्टन यूनाइटेड स्टेट, वेस्ट मिल सोलर पार्क इन द यूनाइटेड किंगडम, डुअल एक्सेस ट्रैकर विद CPV मॉड्यूल्स टोपाज एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर स्टेशन एज सीन फ्रॉम स्पेस। सो मिडल पार्ट में हमारे पास जो रूफ टॉप सिस्टम है बोस्टन में जो यूनाइटेड स्टेट में है, देन वेस्ट मिल सोलर पार्क है जो यूनाइटेड किंगडम है, देन इसमें जो डुअल एक्सिस ट्रैकिंग होते हैं भी CPV मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है। देन एक टोपाज, ठीक है, सोलर पावर स्टेशन है जो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन है जिसे हम स्पेस से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटम कमर्शियल रूफटॉप PV सिस्टम ऑफ अबाउट 400 किलोवाट पावर, ठीक है। जो बॉटम का मतलब है वो उसमें हमारे पास कमर्शियल रूफटॉप PV सिस्टम है जिसकी जो पावर है 400 किलोवाट पावर है, ठीक है। पावर प्लांट ऑन एम्प्टी
कोमेकुरा जापान। सो जापान में एस्टेब्लिश है पावर प्लांट सोलर पीवी सिस्टम ऑन जुक्स पाइट्स जर्मनीज हाईएस्ट माउंटेन टॉप। सो दूसरा जो है वो जर्मनी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। सो ये था हमारा सोलर पीवी सिस्टम। सो इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।